हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं वॉलनट यानी अखरोट का हलवा। अखरोट हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, स्पेशली ठंडी के दिनों में। तो आइए इस हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अखरोट हलवा बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे 200 ग्राम अखरोट। अब हम इसे दरदरा पीस लेना है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक खलबत्ता लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालें और इसे दरदरा सा कूट लें। अखरोट बहुत ही हल्के होते हैं, क्रंची होते हैं, ये बहुत ही जल्दी दरदरे हो जाते हैं। अगर हम इसे मिक्सर ग्राइंड करेंगे तो वो बारीक पाउडर बन जाता है, उसका हलवा अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो दिल की बीमारियों को दूर रखता है। अब इस दरदरे पीसे हुए अखरोट को हम इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपके पास खलबत्ता ना हो तो कोई बात नहीं है, सिंपली इस तरह से हम बेलन से इसे हल्का हल्का मैश कर लेंगे। इससे भी ये बहुत ही जल्दी दरदरे हो जाते हैं, ये देखिए, है ना आसान। तो इसी तरह से हम बेलन से भी इसे बहुत ही आसानी से दरदरा सा कूट सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी तरीका पसंद आए उससे आप अखरोट को दरदरा पीस सकते हैं। अब इस अखरोट में हम डालेंगे आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क से हलवे का जो रिचनेस है वो और भी बढ़ जाता है। अब इसे चम्मच से मिला के हमें आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है। आधे घंटे के बाद एक कढ़ाई में ये भिगा हुआ अखरोट डाल देंगे दूध के साथ और इसे तेज आंच पे उबाल आने देंगे। अखरोट में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है और ये एंटी एजिंग है और बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो अब ये अच्छा उबाल आ चुका है। अब हम इसे फ्लेम को हल्का सा कम रखेंगे, यानी हम इसे मीडियम से तेज आंच पर रखेंगे। बीच बीच में इसे चलाते जाएं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जब इसमें उबाल आता है 5-6 मिनट में यह हल्का गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम मावा, इसे खोया भी कहते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेना है। गरम गरम दूध में यह बहुत ही जल्दी मिल जाता है। धीरे धीरे इसे चलाते जाने से ये हलवा है हमारा हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू होता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। वॉलनट में अपना खुद का ऑयल होता है, इसलिए हम यहाँ पे घी बहुत ही थोड़ा यूज करेंगे। जब ये फिर से हल्का गाढ़ा हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप चीनी ली है, आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। चीनी अगर शुरुआत में डालेंगे तो दूध में मिलके हमारा जो ये हलवा है वो हल्का पतला हो जाता है, तो इस तरह से जब ये हल्का गाढ़ा हो जाए तभी इसमें चीनी मिलाएं। अब जबकि ये हल्का गाढ़ा हो चुका है इसके छींटे निकल आते हैं, तो ये हाथ को ना लगे इस तरह से ढक्कन आप रख सकते हैं। और अगले 5 से 10 मिनट में ही ये हमारा हलवा जो है वो हल्का गाढ़ा हो चुका है और ये बन के रेडी भी हो चुका है। अगर आपको पतला सा पसंद हो तो आप पतला भी टेक्सचर रख सकते हैं, अगर गाढ़ा पसंद हो तो हल्का गाढ़ा बना सकते हैं, जैसे भी पसंद हो उस तरह से इसका टेक्सचर रखें। और ठंडा होने के बाद इसे सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी तो है ही है। इसे हम बाहर ही 2 से 3 दिनों तक रख के खा सकते हैं और फ्रिज में रख के हम इसे 15 दिनों तक बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं। ये बनाने में जितना आसान है खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप इसे बना के जरूर देखें और मुझे बताएं कि आपका वॉलनट हलवा कैसे बना। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।